इंसाफ करो, इंसाफ करो, हमारी जमीन वापस करो, हमारी जमीन वापस करो, गवर्नमेंट की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ करो हमारे साथ, इंसाफ करो, 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 जमीन वापस करो, गरीबों की जमीन वापस करो, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जनाबे आजाद साहब, जिंदाबाद। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, जिंदाबाद। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, जिंदाबाद। जमीन गरीबों की तो क्यों बेघर किया जाएगा? उनको घर दीजिए, उनको रहने के लिए जगह दीजिए, न कि उनको सड़कों पे आके लाए। ये लोग बोले थे नया कश्मीर, तो नया कश्मीर इसको ये बोल रहे हैं। पर जिन्होंने ज्यादा जमीनें हड़प की है उनको ले वापस, उनको क्या करना है? ये गरीबों को जो जमीन ये हड़प कर रहे हैं वो उनको क्यों करना है? ये लास्ट पे गरीबों को बेघर कर रहे हैं। पेमेंट की हुई है तो गवर्नमेंट को उस वक्त देखना था ना, अगर हम लोग इनसे पैसे ले रहे हैं इट मीन हम लोग इनका कंपनसेशन ले रहे हैं लोगों से। लैंड हम तब दे रहे हैं जब लोगों को पैसे ले रहे हैं, तो अब इस टाइम क्यों? फिर वो जो इस टाइम प्राइस है जमीन की वो गवर्नमेंट पैसे दे दे उनको, तो वो कर दे, वो बेचारे वहां से निकल कहीं कहीं और बना देंगे। जब पेमेंट करके भी उनको ये हाल है तो फिर कहां जाना है लोगों के पास? फरियाद जाना इज रिस्पॉन्सिबल। जब ये आ गया कि रोशनी के तहत जी आपको जमीन मिल रही है जो 20 साल से आप लोगों ने कैप्चर किया है, आप लोग उस पर रह सकते, तो ये आप नया ऑर्डर निकालने का क्या है? और जब यहाँ जमीन उनके पास दी गई है तो निकाल किस लिए? क्या मतलब है इनको कर? क्या ये है कि लोगों को डिलिबरेटली एक टेंशन में ला रहे हैं, बेघर कर रहे हैं, सड़कों पे ला रहे हैं, तो ये क्या मतलब है उनका? गर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और उनको कहीं बाहर आने करें जहां वो रहना चाहते। जब इन्होंने जमीन दे दी है तो वापस लेने का क्या मतलब है? गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना है, लोगों को कहां ये रखेंगे? जो लोग बेचारे अपना गरीबी से कैसे तैसे घर बनाए हैं तो उनको कहां लेके जाएंगे? दो दो तीन तीन मरले लोगों ने ली है, उस वक्त उन्होंने पेमेंट भी की है, आज किस बात पे उनको वापस लिया जा रहा है? हम लोग एहतजाज पे रहेंगे एंड जब तक ये वापस